हुई है। इंसदादे दहशतगर्दी की अदालत से इस वक्त आपको अपडेट कर रही हैं, जहां पर पाकिस्तान मुखालिफ तकरीर और मीडिया हाउसेज पर हमले के हवाले से केस की समाअत हुई है और साथ ही MQM के रहनुमा कुंवर नबी जमील को भी आज अदालत में पेश किया गया और उनके मचल के मंजूर कर लिए गए हैं। इसी पर कुछ मजीद तफसीलात हासिल करते हैं नुमाइंदा मेट्रो वन न्यूज मंसूर जिया से। मंसूर जिया, तफसीलात से आगाह कीजिएगा, इस वक्त केस की समाअत के हवाले से आपके पास क्या अपडेट्स हैं? इंसदादे दहशतगर्दी की अदालत ने 22 अगस्त को मीडिया हाउसेस पर हमले, जलाओ, घिराओ, तोड़ फोड़ और मुल्की सालमियत करने के खिलाफ MQM के रहनुमाओं समेत 50 से जायद को गिरफ्तार कर लिया गया था। 1500 से जायद इस केस के अंदर मसरूर थे, जबकि कंवर नवी जमील की जानिब की अदालत ने पहले दो मुकदमात के अंदर जमानत मंजूर कर ली थी। फिर गुज़िश्ता दिनों जब समाअत हुई थी तो अदालत ने 3 मुकदमात के अंदर कंवर नवी जमील की दरख्वास्त से जमानत मंजूर कर ली थी, जिसके बायस कंवर नवी की जानिब से अदालत में मचकले जमा नहीं कराए गए थे, जिसके बायस उनके रिलीज ऑर्डर जारी नहीं किए गए थे। आज कंवर नवी जमील को दोबारा अदालत में पेश किया गया, जबकि उनकी जानिब से मचल के जाती मचल के जमा करा दिए गए, जिसके बाद अदालत उनकी रिलीज ऑर्डर जो है वो जारी कर देगी, जिसके बाद उनकी रिहाई के इम्कान जो है वो बहुत ही ज्यादा रोशन हो जाएंगे। ठीक, बहुत शुक्रिया मंसूर जिया तफसीलात से आगाह करने के लिए। इंसदाद दहशत गर्दी की अदालत से इस वक्त आपको अपडेट कर रहे हैं, जहां पर पाकिस्तान मुखालिफ तकरीर और मीडिया हाउसेस पर हमले से मुतालिक केस की समाअत हुई है और इस मौके पर MQM के रहनुमा कुंवर नवी जमील के 5 मुकदमात में रिलीज ऑर्डर्स जारी कर दिए गए हैं। साथ ही आपको बताएं कि उनके हिफाजती मचल के भी मंजूर कर लिए गए हैं।